अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर और बस छोटा ही सी वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपलोड कर दूं, वरना इतनी वीडियो बनी हुई होती हैं और मैं डालती नहीं हूँ ना, तो यही ख़राबी है मेरे अंदर। और आज का जो है वो फ़र्स्ट रोज़ा था। आप लोग को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और ये एक दिन पहले के रमज़ान से समझ लें, हम थके हारे इतने आए थे और हमने आके रोज़ा रखा था, तो जाना इससे ज़रूरी भी था क्योंकि मेरी बहन की जो है वो बकरा ईद के फ़ौरन बाद शादी थी। तो उसने कहा कि चलो, उसकी फरमाइश थी कि आप ही मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ इतने साल हो गए कहीं भी नहीं गई हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग चल लेते हैं। और बस उसकी तैयारियां चल रही थी, तो उसकी तैयारियों से पहले हमने कहा एक पिकनिक कर लें, फिर उसके बाद हम बहुत मसरूफ़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ये थोड़ा कर लिया था, पिकनिक का बना लिया था और ये छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने कहा ये भी डाल दूँ। और यहाँ पर जो है अभी हम सबसे पहले आ गए थे नाश्ता करने, यहाँ नाश्ता करने बैठे थे। नाश्ते में जो है चना पराठा और चाय था और फिर उसके बाद कुछ नहीं। और जो है ना, जब हमने जो सहरी थी ना, वो भी मैंने जो है मम्मा लोगों के यहाँ ही करी थी। और फिर इतनी हिम्मत बस्ट हो गई थी, आपको तो पता है कभी हम कहीं घूमने जाएं और फार्म हाउस वगैरह या पिकनिक पॉइंट पे किसी पे भी जाएं तो हिम्मत किस तरह से हो जाती है। तो बस बहुत थक गए थे और रोज़ा जो रखा था उसमें भी बहुत नाढ़ाल हो रहे थे हम लोग, कहीं दिल नहीं चाह रहा था जाने का। मैं अपने घर भी जो है वो इफ्तारी के बाद आई कि नहीं यार चलो घर भी जाना है, मुझे अपना घर भी देखना है। मगर परेशानी ये थी कि भाई बहुत थकन हो गई थी। कभी भी मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी रमज़ान से एक दिन पहले कहीं ना जाएं, आप लोग अपने घर में ही रहें। तो बस यहाँ पे मैंने छोटी सी वीडियो बना ली थी और यहाँ पे जो है नाश्ता भी आ गया था। और अभी हम कुछ ही देर में हॉक्स वे पहुँच जाएंगे और हॉक्स वे में जाके थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मोबाइल वगैरह मैं पानी में नहीं लेके जा सकती थी और मैं कवर ले जाना भूल गई थी, वरना मैं ले जाती, या मैंने कैब करी थी, तो मैंने छोटा सा वो भी क्लिप डाल दिया। तो बस यहाँ पर आज की वीडियो इतनी ही बनी थी। और ये ब्लू पानी का नज़ारा भी देख रहे हैं आप लोग। और हट हमने बुक करवा लिया था, और हट नहीं बुक करवाया था, बस छोटा सा एक छोपड़ा लगा हुआ था वही बुक करवाया था। उसके भी हमें पैसे भरने पड़े थे, मतलब जाते हैं तो फिर पैसे तो भरने ही पड़ते हैं। मगर बस चलिए, आप लोग देख लें अभी क्या हाल चाल है आगे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये सामान रखा हुआ है। बस ज़्यादा वीडियो नहीं है और मेरा ने थोड़ा सा रोने डाला था, मगर एंड में मेरा भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और फिर उन्होंने इंजॉय किया था पानी को। जुनैर को काफ़ी सर्दी लग रही थी इसलिए जुनैर नहीं नहाए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इतनी सी ही वीडियो बनाई थी। आप लोगों को मेरी कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।